नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीला। नौतपा हर वर्ष गर्मी में के मौसम में आता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सूर्य भगवान ज्येष्ठ के महीने में जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय नौतपा की शुरुआत होती है। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में 14 दिनों तक रहते हैं। इस समय प्रारंभ के 9 दिन सूर्यदेव प्रचंड स्वरूप में रोहे रहते हैं और भीष्म गर्मी का एहसास कराते हैं। रोहिणी नक्षत्र में आते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा का प्रारंभ भी हो जाता है और यह अगले 9 दिनों तक रहता है। इस बार नौतपा 25 मई दिन बुधवार से शुरू होकर 2 जून गुरुवार तक रहेगा। 25 मई को यह 8:16 में रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे और इसके अलावा सूर्यदेव और रोहिणी नक्षत्र में गोचर की समाप्ति का समय है 8 जून बुधवार को 6:40 का सुबह में। इसके अलावा धर्मशास्त्र के मुताबिक नौतपा के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। ऐसे मौसम में आंधी और तूफान आने की संभावना अत्यधिक होती है, जिससे धन और जन के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। धार्मिक मान्यता है कि नौतपा के समय ग्रह एवं नक्षत्र की स्थिति भी अशुभ होती है। नौतपा के दौरान लोगों को धूप में निकलने से बचना चाहिए। उन्हें अपने सारे काम सुबह या शाम में निपटा लेने चाहिए। नौतपा ज्येष्ठ माह के में होता है। ऐसे में व्यक्तियों को जल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में ज्येष्ठ माह में जल की महत्ता का वर्णन किया गया है। नौतपा में आंधी तूफान आने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में घर पर रुकना अधिक लाभदायक रहता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।